कोरोना वायरस के संक्रमण की चुनौतियों के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल एवं जिलों के अधिकारियों के साथ वार्ता किया। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को आपदा महामारी घोषित कर दिया गया है, इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ प्रतिष्ठानों एवं सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्णय जिलाधिकारी खुद दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 19 जिलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी जहां लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौरान कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन वितरण की तारीफ करते हुए कहा कि राशन वितरण में अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से बचाव तथा उसके रोकथाम में कोई लापरवाही न बरतें। कुछ क्षेत्रों में हम लोग कुछ रिलैक्सेशन देंगे, कुछ आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ भी हों, प्रदेश सरकार भी चाहती है और वास्तव में इसके बारे में कुछ स्थानीय स्तर पर आप सबने विचार किया होगा। लेकिन मैं आज इस पर विचार कर रहा था, 75 जनपदों में से 19 जनपद ऐसे हैं जिनमें 10 या 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस अभी भी मौजूद हैं। आज के दिन पर पूरे प्रदेश के अंदर हम देखेंगे 1084 कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें 959 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केस वर्तमान में हैं, 108 अब तक रिकवर हुए हैं। जो हमारे सबसे संवेदनशील जनपद बने हुए हैं जिनमें अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, वे आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, सामली, बिजनौर, बस्ती, सीतापुर, हापुड़, बागपत, वाराणसी, बुलंदसर, रामपुर और अमरोहा। 19 जनपद ऐसे हैं जो 10 या 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस इन सभी जनपदों में हैं। 20 अप्रैल से जो हम लोग कई प्रारंभ की, मुझे लगता है 19 जनपदों में इसको स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन 19 जनपदों में ये रिलैक्सेशन अगर हम वहां पे स्थगित करते हुए जो अब तक लॉकडाउन के बारे में उसके परिणाम के बारे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आप सबके सामने बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे सभी 75 जनपद इस समय बहुत बुरी तरह प्रभावित होते।
दूसरा, जिन जनपदों में प्रारंभिक चरणों में ही लोगों ने कदम उठा दिए और एक एक जहां से भी कोई संदिग्ध दिखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की, वहां पर वे जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं। महाराजगंज है, हाथरस है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, प्रयागराज है, बरेली है, सभी जनपद के बारे में, इसके अलावा और भी शाहजहांपुर और आसगंज आदि जनपदों के बारे में भी ये बात सामने आई है। और भी कुछ जनपद हैं जो अगले एक सप्ताह में, मेरा अनुमान है कि लगभग एक दर्जन के आसपास हमारे जनपद होंगे जो इससे मुक्त हो चुके होंगे। लेकिन जो हमारे पास पहले पॉजिटिव केसेस थे उनका नेगेटिव में बदलना और उस जनपद को हम लोगों के द्वारा पूरी तरह कोरोना मुक्त करने की कार्रवाई को एक बार पूरी तरह करने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस बात को तय करना